हेलो बच्चों, क्लास 12th में इंग्लिश विस्तार में आपका फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू है, द एनिमी, जिसके आपने थर्ड पार्ट पढ़ लिए थे। नेक्स्ट पार्ट आप आज कंटिन्यू कर रहे हो, तो बच्चों यहाँ से पढ़ेंगे। इट वॉज एट दिस मोमेंट, ये उस क्षण की बात है जब हाना और सदाओ बैठे हुए थे अपने बरांडा में, जब उन्होंने, बोथ ऑफ देम, दोनों ने, सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट फ्रॉम द मिस्ट, कोहरे में से कुछ उन्हें आता हुआ दिखाई दिया। इट वॉज अ मैन, ये एक व्यक्ति था। ही वॉज फ्लंग अपॉन आउट ऑफ द ओशन, वो सागर में से, समुद्र में से बहुत मुश्किल से ही बाहर निकल कर आया था। फ्लंग, और बुरी तरह से चल रहा था। इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, जैसे उसके पैर ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे किसी ब्रेकर से चल रहा हो या उसे बहुत मुश्किल हो रही हो चलने में। ही स्टैगर्ड, वो गिर गया एक दो स्टेप चलकर जमीन पर। हिज बॉडी आउट लाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, और उसका शरीर कोहरे के अगेंस्ट में चल रहा था, कोहरे के विरुद्ध चल रहा था। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, और उसके हाथ सिर के ऊपर थे। देन ही कर्ल्ड, मिस्ट हिड हिम अगेन, और वे जमीन पर घिसट कर चल रहा था। उसके बाद कोहरे ने फिर उसे छुपा लिया। हुज दैट, किसी ने पुकारा। हाना क्राइड, हाना चिल्लाइए। शी ड्रॉप्ड सदाउज आर्म, उसने सदाव का हाथ हटाकर नीचे रख दिया। एंड दे बोथ लीन ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा, और वे दोनों वरांडा की रेलिंग, रेलिंग का मतलब होता है जो उसकी बाउंड्री होती है, उसको कहा है यहाँ पे, तो उससे वो नीचे झुककर झांकने लगे कि कौन दिखता है। नाउ दे सॉ हिम अगेन, एक बार फिर उन्हें वो दिखाई दिया, उन्होंने देखा। द मैन वॉज इन हिज हैंड, वो आदमी अपने हाथों से चल रहा था। एंड नीज क्रॉलिंग, और घुटनों के बल जैसे कि खजड़ रहा था जमीन पर। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस, फिर उन्होंने उसे उसके चेहरे के बल लेटा हुआ देखा। अ फिशरमैन परहैप्स, शायद एक मछुआरा होगा। सदाव सेड, सदाव ने कहा। वॉस्ट फ्रॉम हिज बोट, जो अपने नाव से बहता हुआ यहाँ आ गया होगा। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप एंड बिहाइंड हिम हाना केम, वो तेजी से आगे निकल कर गया और उसके पीछे हाना भी आ गई। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी लंबी लंबी स्लीव्स माने होती है आस्तीनें, वो उड़ रही थी। अ मेल अ माइल और टू अवे, और इधर साइड देयर वर फिशिंग विलेज, एक या 2 मील दूर आसपास आया होगा शायद मछलियां पकड़ने, पास के किसी गांव से। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, परंतु यहाँ पर केवल और केवल, दूर दूर तक, केवल कोस्टल एरिया है, केवल समुद्र का किनारा ही है, और कोई गांव वगैरह नहीं है जहाँ से कोई मछली पकड़ने आ सके। डेंजरस विद रॉक्स, यहाँ सिर्फ खतरा है, और खतरनाक चट्टाने हैं यहाँ पे, सिर्फ पहाड़ी चट्टाने। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, और यहाँ पर बहुत कटीला रास्ता है, कांटे हैं, और बहुत ज़्यादा पथरीला रास्ता है, मतलब पूरा का पूरा खतरनाक डेंजर एरिया है। सम हाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू द, मुश्किल से ही लोग यहाँ आ पाते हैं। ही मस्ट बी बेडली टॉर्न, देखो उसका शरीर बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। और आगे दे सॉ व्हेन दे केम टुवर्ड्स, दे सॉ, उन्होंने देखा। व्हेन ही केम टुवर्ड्स हिम, जब वो उसके पास आया। दैट इंडीड इट वॉज सो, अच्छा ये था। द सैंड ऑन द साइड ऑफ हिम, एक तरफ रेत के किनारे, हिम ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड शोकिंग थ्रो, लाल लाल उसके ऊपर निशान बने हुए थे। हिज बाउंड्रीड, अरे ये तो घायल है। सदाव एक्सप्लेन, सदाव ने एक्सक्लेम करके कहा है, सदाव ने आश्चर्य से कहा, ये तो घायल है। ही मेड हैस्ट टू द मैन, उसने तुरंत आदमी की तरफ झटके से देखा। हु ले मोशनलेस, जो बिल्कुल मोशनलेस, मोशनलेस माने गतिहीन पड़ा हुआ था, गतिहीन नहीं था। हिज फेस इन द सैंड, और उसका चेहरा जमीन में, रेत में धंसा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक ऑन हिज हेड, उसके सिर पर एक पुराना कैप लगा हुआ था,
सोक्ड विद सी वाटर, जो कि पूरा भीगा हुआ था समुद्र के पानी से। ही वॉज इन वेट रेज ऑफ गारमेंट्स, और भीगे कपड़े भी पहना था। सदाव स्टॉप, सदाव रुक गया। हाना एट इज वाइफ, और वो अपनी पत्नी की तरफ देखता हुआ। ही टर्न द मैनस हेड, आदमी के सिर की तरफ देखता है। दे सो द फेस, उन्होंने उसका चेहरा देखा। अ वाइट मैन, एक गोरा व्यक्ति था। हाना विस्पर्ड, हाना ने फुसफुसाकर धीरे से कहा। यस इट वॉज अ वाइट मैन। द वेट कैप फेल अवे, वो जो टोपी थी उसकी भीगी हुई गिर गई थी। एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर लॉन्ग, और उसके बड़े बड़े हेयर येलो भूरे बाल दिखे। एज दो ऑफ मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, लंबे लंबे बाल हो गए थे क्योंकि कई हफ्तों से शायद उसके बाल कटे नहीं थे। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉटर्ड फेस, उसका युवा चेहरा था, जवान चेहरा था, वॉज रफ येलो बियर्ड, जिस पर बड़ी बड़ी पीली पीली सी दाढ़ी बढ़ गई थी, भूरी दाढ़ी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वह बेहोश हो गया। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, कि उसके लिए क्या किया जाए, सोच में पड़ गया बहुत ज़्यादा। ओके बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, और एक ज़रूरी बात डिस्कस करनी। एक बार फिर हम कोविड के संक्रमण में हैं, और दिनों दिन कोविड पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, और हमें अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छी तरह फॉलो करके, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाकर हम इससे बच सकते हैं। अगर आपको ज़रूरी, बहुत ज़रूरी काम में जाना पड़ता है, तो आप बिना मास्क के ना जाएं, और लोगों से दूरी बना कर रखें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथों को धोते या सैनिटाइज करते रहें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर हम इन सब चीज़ों का पालन करें, तो हम इस त्रासदी से बच सकते हैं। ओके बेटा, थैंक्स थैंक्स अ लॉट।